नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं माधव हिंदी पाठशाला से चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम कुछ फल के बारे में जानेंगे। उनके नाम जो यहाँ पर बताए गए हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों का सबसे अधिक प्रिय एप्पल, APPLE, एप्पल मतलब सेब। आप लोगों ने एप्पल तो बहुत सारे देखे होंगे और खाए भी होंगे, तो ये APPLE, एप्पल मतलब सेब। आगे देखते हैं, बनाना, BANANA, बनाना मतलब केला। ये एप्पल बनाना जो बाज़ार में सबसे सरलता से मिल जाता है और बहुत सस्ता भी होता है और इसे सब लोग बहुत पसंद भी करते हैं। उसके बाद है अनार, POMEGRANATE, पोमेग्रांटी मतलब अनार, या अनार के दाने। आप लोगों ने अनार देखे होंगे, जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है वो लोगों को अनार खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, तो यह है अनार जो बाज़ार में मिलता है। और यह है आम, मैंगो, MANGO, मैंगो मतलब आम। ये सब लोगों का सबसे अधिक प्रिय है, आम सब लोगों को पसंद होते हैं। आम का अचार भी बनता है और उसका रस भी निकलता है, तो ये है आम, मैंगो। आगे देखते हैं एप्रिकोट मतलब खुबानी, ये भी बहुत अच्छा फल है, APRICOT, एप्रिकोट मतलब बुखानी। आगे देखते हैं प्लम, PLUM, प्लम मतलब आलू बुखारा। ये हम लोगों को बारिश के मौसम में जैसे करके गर्मी के कुछ कुछ दिन निकलने वाले होते हैं तब ये हमें बाज़ार में मिलते हैं। और है ये एक लोकाट, LOQUAT, लोकाट, ये भी बाज़ार में हमें मिलता है। ये है आड़ू मतलब पीच, ये भी बहुत अच्छा फल है, लोग उसे बहुत खाते हैं। ये है चेरी, CHERRY, चेरी। जब घर में पुलाव बनता है तो पुलाव में भी ये चेरी डाली जाती है। ये चेरी बहुत अच्छी है, लगती है, सब लोग ये उसे खाने की जिसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। फल के रूप में भी खा सकते हैं और सब, और जब पुलाव बनता है तो चावल में भी डाल सकते हैं। ये एक ये है, और एक देखते हैं अंगूर, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। ऐसे ग्रेप्स दो रंग के होते हैं, काले भी होते हैं और ये ग्रीन भी होते हैं, और ये बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम मुलायम। इसे ये उसको ये जब लीली होती है तब भी इसका इस्तेमाल होता है और जब सूख जाती है इसके बाद भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखते हैं स्ट्रॉबेरी, STRAWBERY, स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी भी हमें बाज़ार में मिल जाती है, ये बहुत अच्छी लगती है। ये है रास्पबेरी, RASPBERY, रास्पबेरी। ये भी बहुत अच्छा फल है जो बच्चे अधिक खाना पसंद करते हैं। लीची, लीची, LITCH, लीची। यह फल बाज़ार में मिलता है और सब लोग उसे खाना भी पसंद करते हैं। और ये एक है चीकू, जो इसे सपोता भी कहते हैं। कोई बीमार व्यक्ति बीमार हो जाए तो हम उसके लिए क्या ले जा रहे हैं, ठीक है, चीकू, एप्पल जैसी चीज़ हम ले जाते हैं। तो ये इसका जूस भी बहुत अच्छे से बनता है और इसकी मिठाई भी बनती है। ये है जामुन, जामुन बाज़ार में मिलते हैं, वो ये पेड़ों पर लगते हैं और बहुत मीठे होते हैं, और उसके जो ये जामुन उसका दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जुजुबेस, ये है बेर जो ठंड के मौसम में हमें देखने को मिलते हैं। ये पहले
ग्रीन कलर के होते हैं, उसके बाद ये पककर पीले जैसे हो जाते हैं। सब लोग इसका ऐसे भी खाते, कच्चा भी खाते हैं, पक्का भी खाते हैं, और कुछ लोग तो बेड का अचार भी डालते हैं। आगे देखते हैं कस्टर्ड एप्पल। ये है कस्टर्ड एप्पल, मतलब शरीफा। यह चीज़ बहुत महंगी मिलती है, लेकिन सब लोग उसे खाना पसंद करते हैं और एक एक बीज निकाल निकाल कर खाते हैं। उसके बाद एक है फिग, FIG, फिग मतलब अंजीर। ये भी बाज़ार में हमें मिलता है, लोग इसे खाते हैं। पाइनएप्पल मतलब अनानास। ये पाइनएप्पल बाज़ार में मिलते हैं, सब लोग इसे खाना पसंद करते हैं। पाइनएप्पल का जूस भी बहुत अच्छे तरीके से बनता है, और ये पाइनएप्पल को काटने का एक अलग तरीका है। उसको बाकी कई फलों की तरह हम तुरंत नहीं खा सकते। पाइनएप्पल को अच्छे से काट कर उसके अंदर जो नोकीले कांटे होते हैं वो निकाल कर, वो पाइनएप्पल काटने वाले को आपने देखा होगा, वो कितनी अच्छी तरीके से फटाफट पाइनएप्पल काट देता है। उसके बाद आता है कोकोनट मतलब नारियल। ये समुद्र विस्तारों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं देखने को। ऐसे तो नारियल का उपयोग हम पूंजा में भी करते हैं और खाने में भी करते हैं। हम जब भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो कोकोनट का इस नारियल चढ़ाते हैं, और साथ में कोकोनट में से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं खाने के लिए उपयोगी हो ऐसी। आगे देखते हैं ऑरेंज मतलब संतरा। जो हम लोग अक्सर बीमार व्यक्ति को देखने के लिए जाते हैं तो ऑरेंज ले जाते हैं, संतरा ले जाते हैं, और इसमें विटामिन सी हमें बहुत भारी मात्रा में मिलता है। स्वीट लाइम ये है मौसमी। यह भी इसका जूस भी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो हमें बाज़ार में मिल जाता है। ये संतरा और मौसमी देखने में एक समान जैसे ही लगते हैं जब कच्चे होते हैं और पक्के होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग फल है। ये लेमन, हर किसी व्यक्ति के घर पे लेमन अक्सर देखने को मिलता है। इसका भोजन में भी और दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये लेमन उसके वो रस से भरा होता है, जो उसका रस खट्टा होता है, और ये शरबत बनाने में भी काम आता है और खाने के चीज़ें बनाने में भी इसके इस्तेमाल होता है। डेड फ्रूट मतलब खजूर। खजूर को लोग रात को पानी को भिगोकर रख देते हैं, फिर सुबह उसको अच्छे से खाते हैं। इससे शरीर की कमजोरियां कम होती है, ये भी एक बहुत अच्छा फ्रूट है। उसके बाद वाटरमेलन मतलब तरबूज। वाटरमेलन गर्मियों के दिन में मिलता है, जब और इसे खाना भी चाहिए, क्योंकि गर्मियों के दिनों में मनुष्य के मतलब हर किसी व्यक्ति के शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से पानी की कटौती हो जाती है शरीर के अंदर, तो वाटरमेलन खाने से जो पानी की कटौती वो दूर हो जाती है। और ये वाटरमेलन बहुत आसानी से और बहुत सस्ते भाव में मिल जाता है। मस्कमेलन मतलब खरबूजा, ये भी हमें बाज़ार में देखने को मिलते हैं। यह कीवी, ऐसे ये फल बहुत महंगा आता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को बीमारी होती है डेंगू की, तब शरीर के अंदर जो कुछ कण रक्त कण कम हो जाते हैं, तब यह फल खाने की सलाह दी जाती है। यह ऐसे तो थोड़ा खट्टा सा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा फल है, बूढ़े बच्चे सभी को यह बहुत पसंद है। आगे देखते हैं, यह है टोमेटोज मतलब टमाटर। तो टमाटर तो किसको पता नहीं है, सब लोगों को पता है कि भाई टमाटर जो होते हैं वो हमारे घर में सब्जी के रूप में, सब्जी बनाने के रूप में, या फिर रसोई के हर एक काम में वो आते हैं, और साथ में इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं। इससे टमाटर को नियमित रूप से खाने से शरीर में खून बढ़ता है। पपैया मतलब पपीता। यह पपीता हम उसको ऐसे तो पपीता का संभार भी बनता है, और पपीते को अच्छे से पक जाने के बाद उसको बहुत अच्छे से खा सकते हैं। ये बहुत गर्म फल है, इससे बहुत शरीर में गर्मी पैदा होती है। यह पियर
मतलब नाशपाती, ये सब्जी वाले फ्रूट वाले के वहाँ सरलता से मिल जाता है। उसके बाद है अमरूद, गुआ, ये क्या है अमरूद जो हमें बाज़ार में बहुत सरलता से मिलता है और हम लोग उसके कुछ लोग उसके ऊपर इसे काट कर अच्छे से काट के उसके ऊपर नमक और डालकर इसे इसका स्वाद लेते हैं। एक और फल है ओलिव्स, ओलिव्स मतलब जैतून, ये जैतून का फल भी हमें औषधि के रूप में मतलब दवाई के रूप में बहुत अच्छे से काम आ सकता है। तो अभी हमने यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स मतलब फल के बारे में जानकारी प्राप्त की और ये हर एक फल किसी न किसी रूप में हमें दवाई के रूप में भी काम आता है। तो दोस्तों अभी हमने फ्रूट्स के बारे में जाना और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।